तो गाइज आज हमारे सामने खड़ी है मर्सिडीज़ सी क्लास 220। इसके सारे फीचर बताने वाले हैं आज और रेट इसका बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेट है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस पर ये गाड़ी है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो गाड़ी लेना चाहता है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम है आपका अपने चैनल डिस्टिंक्ट व्हील्स पे। तो आज आ चुके हैं मर्सिडीज़ सी क्लास 220 के साथ और इसके सारे फीचर्स बताएंगे वीडियो के बीच में, आपका प्राइस बताएंगे, बने रहना वीडियो के साथ। तो चलते हैं एक बार सुखप्रीत भाई के पास। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, आप बताओ। आओ सर, सपना पूरा कर दो आज हमारे भाइयों का जिनका भी मर्सिडीज लेने का सपना है। और चाबी कुछ इस तरीके की है, सुखप्रीत भाई बताएंगे आज सारे फीचर्स। बताओ सर, शुरुआत करो। चाबी में सर सबसे पहले तो ऊपर आता है लॉक का फीचर, ये आता नीचे अनलॉक का, ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट भी है इसमें? टेलगेट भी है सर इसमें कार में। और बाकी बेसिक सी चाबी है एज यूजुअल से मर्सिडीज की, हर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी इसमें यूनिक फीचर है पाजी वो बताओ सबसे पहले। तो मेन फीचर सर एक तो जो सा इसका हुड है वो इलेक्ट्रॉन जो स्टड्स हुड है, इसमें कोई वो रॉड नहीं लगती, कुछ नहीं लगती, हाइड्रोलिक इसका हुड है। सेकेंडली जो सा इसका टेल गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। ओके, और मर्सिडीज में सर बाकी तो आपको फीचर ही पता है, किसी भी टायर में हवा कम इंडिकेशन चर्चा नहीं है अभी सर, टायर में हवा कम है या टायर। एक बार सर बूट खोल के दिखाओ मुझे। तो गाइज देखो मर्सिडीज अपनी 220 का टेल गेट कुछ इस तरीके से खुलता है, इलेक्ट्रॉनिक है ये और बंद ये मैनुअली होता है या फिर बंद मैनुअल होता है सर। एक बार दोबारा से खोलना सर। क्या बात है गाइस, आपको ये फीचर भी इस गाड़ी में मिल जाता है। और इसका जो नए का प्राइस है 30 लाख के आसपास ये गाड़ी आती है और वीडियो के बीच में ज़रूर बताएंगे क्या क्या प्राइस है आज, क्या किस प्राइस पर ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। टायर्स वगैरह देखो बहुत अच्छी कंडीशन में है और कंपनी फिटेड अलॉयज वगैरह हैं, इसमें मैनुअली बाहर से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। सारी इतने सारे फीचर्स मर्सिडीज खुद ही में इतने सारे फीचर दे देता है कि हमें लोड नहीं पड़ती है बाहर से कुछ भी करवाने की। सबसे पहले लाइट्स की बात करता हूँ, लाइट्स में देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है सर। ओके, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। और आगे से जो फ्रंट लुक की बात करूँ, फ्रंट लुक बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें, अपने फॉग लैम्प वगैरह सारे कुछ डले हुए हैं। तो चलिए एक बार गाड़ी के अंदर भी चलते हैं और अंदर से आपका फीचर बताता हूँ। आइए सर। तो आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एक एक करके जानेंगे सारे फीचर्स। तो सुखप्रीत भाई जी सबसे पहले फीचर्स बता दो इसमें क्या क्या मिल जाता है हमें। फीचर्स सर पहले तो गाड़ी ऑन करते हैं हम इसके लिए। ओके, काफ़ी साइलेंट इंजन है इसका। काफ़ी साइलेंट इंजन है सर। सेकंडली सर इंफोटेनमेंट सिस्टम। क्या बात है, ये भी मैनुअली बंद हो जाता है? ये मैनुअली बंद हो जाएगा सर तो आपका डेक ऑफ हो जाएगा। ओके, इसको ओपन करोगे तो डेक ऑन हो जाएगा। ओके, और सेकंड इसको ये सर हमारे पास रेडियो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। इस साइड के देखो सर ये ऑक्स पे सेटिंग आ गई इसकी जी, इस साइड के ये वॉल्यूम पे आ गई, ये साउंड सेटिंग के लिए भी साउंड कैसे चेंज करनी है हमने गाड़ी की। ओके, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है गाइस, रेडियो पे किया यहाँ से चेक करोगे ये पेज से चेंज हो जाएंगे सर इसके, ठीक है ना। ये सर बेसिक फंक्शन है इसके। ओके, तो गाइस ये ऑटोमेटिक गाड़ी है जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी हमारे भाई हैं उनको ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद होती है तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। रेट बहुत अच्छा बताएंगे क्यों सर? बहुत बढ़िया सर, ऐसा रेट दे देना ना हमारे भाई खुश हो जाए। इसमें सर बाकी फीचर्स डुअल क्लाइमेट जोन है, आपको अगर ठंड लग रही है, अच्छा ठीक है, लग रही आप अलग से सेट करो अपना, मैं अलग से सेट। ओके, डुअल एयर बैग है। सेकंडली सर इस गाड़ी में है स्पीड लिमिटर और क्रूज कंट्रोल, दोनों फीचर है इस गाड़ी में, ठीक है। आजकल जैसा पता ही है सर चंडीगढ़ में कितने कैमरे लग गए हैं, बिल्कुल कोई चलान तो कटाया जाता, स्पीड से लिमिट सेट करो अपने 50-60 जितनी भी है रोड की, बस अपने चलान से बचो सर। एक बार सर मीटर कंसोल दिखाना कितनी चल चुकी है अपनी। तो गाइस ये सिर्फ 79,000 चली हुई है और बाकी भी सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से सर ये कितनी अपनी मतलब एवरेज वगैरह क्या दे देती है सर? ये गाड़ी अप्रोक्स आपको लोकल में एवरेज देती है 14-15 की। ओके, हाईवे पे? हाईवे पे सर 20 की एवरेज देती है। पक्का? क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है ना सर, फिर तो बहुत एवरेज से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने डीजल में पेट्रोल में? डीजल में सर। डीजल में है। और
बाकी सर और कुछ फीचर्स वगैरह बता दो इसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं गाड़ी में? सर वैसे तो काफी फीचर्स हैं, है ना। ये यहाँ से सर अपने साइड मिरर्स कर सकते हैं हम अपने कंट्रोल, ठीक है। ये पावर विंडोज की स्विच आगे सर जी लॉक अनलॉक के, ये आपके साइड पे भी अवेलेबल है सर लॉक अनलॉक वाले। अच्छा दोनों साइड दिए हुए हैं? ये दोनों साइड दिए हुए हैं सर। और सर पीछे इस गाड़ी में जैसे ये प्रीमियम गाड़ियां मानी जाती है ना, तो इसका सर पीछे हम अपना सनशेड मोटराइज लगा सकते हैं आगे से बैठे। ये भी इलेक्ट्रिक है? ये भी इलेक्ट्रिक है सर। इसमें साइड्स वाले सर मेरे को खुद लगाने पड़ते हैं मैनुअली, यहाँ से मैनुअली। इस गाड़ी में सर चार एयर बैग इस गाड़ी में, एक सेकंड और बी पिलर्स पे दोनों साइड। मतलब फीचर वाइज भी सेफ्टी वाइज भी दोनों में टॉप क्लास गाड़ी है ये। ओके। और बाकी सर ड्राइव क्वालिटी सर सबको पता ही है मर्सिडीज की किस हिसाब की होती है। बिल्कुल। हरमन गार्डन का सर इसमें म्यूजिक सिस्टम है पूरी गाड़ी में, वो भी कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है सर, कंपनी फिटेड, कुछ भी इस गाड़ी में बाहर से नहीं हुआ। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर? सेकंड ओनर कार है सर। ओके। और जिसे कहते हैं वेल मेंटेन कार है, इंजन वाइज सर जिसे कहते हैं आपके सामने सर आपके बिल्कुल नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। बहुत वेल मेंटेन कार है। आप स्टेयरिंग की क्वालिटी देखो, इंटीरियर के सर कोई भी ये नहीं कि बटन से उतरा हुआ है कोई कुछ हुआ हुआ है। जितने भी हैं सर जैसे ये हैं जेन्युइन हुए हैं, मतलब कि 10 साल पुरानी गाड़ी सर, ऑटोमेटिकली इतना तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई घिसा पिटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सर हमारे को मिल जाता है स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे कार की। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पे आप इजीली सामान रख सकते हो। और ये कार 13 का कार्ड है और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलने वाली है। ये एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सेकेंडली सर इस गाड़ी में तो चार्जिंग की भरमार है। क्या बात है सर। फर्स्टली सर एक चार्जिंग पॉइंट हमारे को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और सर आपसे मैं निवेदन करूँगा जरा डैशबोर्ड पर ले गाड़ी में। सेकेंडली सर ऑक्सपोर्ट वहाँ पे है, सेकेंड चार्जिंग पोर्ट वहाँ पे है। ओके। रियर एसी वेंट है सर गाड़ी में, पिछले वाले बंदे को भी। और ये सर इसकी जो सीट्स वगैरह ये मैनुअली या फिर इलेक्ट्रिक है? ये सारी ये इलेक्ट्रिकल सीट्स है सर। ओके। सिर्फ आगे पीछे वाली मूवमेंट जो सी है इसकी वो मैनुअल है। ओके। इसकी बैग जो सी होती है आप करके देखिए सर। क्या बात है सर, ये भी इलेक्ट्रिक है? इसकी हाइट एडजस्टेबल भी सर इलेक्ट्रिक ही है। वो भी नीचे? हाँ वो वहाँ से होगी। बहुत जबरदस्त फीचर है। और जो सर आगे गिरने वाला फीचर है वो मैनुअल करना पड़ेगा, बाकी सारी इसकी इलेक्ट्रिक है। तो सर डिमांड भी बता दो इसकी क्या रखी है, नई कितने की आ जाती है सबसे पहले? दरवाजा खोला वाला स्टार्ट कर दिया। तो शुक्रिया। तो पाजी सबसे पहले तो ये बताओ इसमें सेंसर कौन कौन से मिल जाते हैं अपने को? सेंसर सर इसमें एक तो टायर मैनेजमेंट सिस्टम हमें पूरा मिल जाता है। ओके। कोई भी टायर पंचर होएगा या हवा कम है उसकी इंडिकेशन आपको आ जाएगी। सेकंडली सर डोर कौन सा ओपन है वो इतना भी बता देगा आपको, ये डोर ओपन है आपकी गाड़ी का। ओके। हुड ओपन है, बूट ओपन है, सारी चीज़ें बताएगा। सेकंडली सर हमारे को एयर बैग वार्निंग सिस्टम और सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम हमारे को मिलेगा इस गाड़ी पे। थर्ड फीचर है इसमें सर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई ये गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकती। ओके। जितनी मर्जी आप कोशिश करो सर इस गाड़ी को, मतलब सेफ्टी पूरी है, सेफ्टी पूरी है इस गाड़ी में सर। मर्सिडीज मानना ही वर्ल्ड में अपनी सेफ्टी के लिए जाता है। बिल्कुल सर। और बाकी तो सर इस गाड़ी में जो सी स्क्रीन है ना छोटी सी, हाँ जी, ये सबसे बड़ी स्क्रीन है सर इस गाड़ी की। ओके। क्योंकि जो भी गाड़ी में फॉल्ट होगा जैसे भी आप देख सकते हैं गाड़ी का वॉल दरवाजा खुला हुआ है इस समय, वो बाबर इंडिकेशन दे रहा है हमारे को कोई सर कोई फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा वो। ओके। आपको कहीं और ना जैसे आपको कोई सोचो भी टेंशन वाली बात है मैकेनिक को जाके चेक कराऊं, आपको यहीं पे कोड दिख जाएगा वो कौन सा कोड है। आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करो आपको पता लग जाएगा इस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है गाड़ी के अंदर। ओके। ये मतलब सबसे मेन स्क्रीन है। सेकेंडली सर आपको यहाँ पे दिखता है ये अपना पार्किंग रिवर्स रोटरल ड्राइव है ना, ये ई दिखा रहा है कि ये गाड़ी इस समय इकोनॉमी फ्यूल पे चल रही है अपना। Okay. मतलब कि इकोनॉमी मोड है। यहाँ से सर हमने इसको दबाया इस बटन को वहाँ पे ऐसा आ गया अभी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चल चुकी है। ओके। Okay. अब इस गाड़ी की पिकअप यूजुअल से डबल हो गई है। ओके। Okay. मतलब बाकी तो सर अब इसमें मतलब फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं इसमें। फीचर्स है सर इस गाड़ी में, मतलब काउंट करने लग जाए तो ये खत्म ही नहीं होंगे। नहीं होंगे इसमें फीचर खत्म इसमें। सर ऑटोमेटिक कार है, इतनी बड़ी गाड़ियां चलती ही ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। मैनुअल तो सर इनको कोई सोचता भी जब मैंने इतने पैसे खर्च करने किसी गाड़ी पे तो मैं मैनुअल क्यों लूं फिर।
तो सर हमारे व्यूवर्स के लिए अब सबसे पहली बात तो प्राइस किया जाती है कि हर किसी को ऐसा सा प्राइस चाहिए कि मतलब दिल खुश हो जाए, आज ऐसा प्राइस देना इस वीडियो में। सर ये आज हम इस मोटिव से लेके आए इस गाड़ी को कि ये सस्ते बजट में लग्जरी सेगमेंट गाड़ी है। बिल्कुल सर, और सारे फीचर वर्किंग है ना इस गाड़ी में? सारे फीचर वर्किंग है सर, आप आओ गाड़ी टेस्ट करो, नहीं लगता कोई फीचर तो हमारे पास होगा। ओके, इस गाड़ी की सर हम अपने स्टॉक में डिमांड कर रहे हैं 6,95,000 की, और ज्यादा है हमारे व्यूअर्स के लिए। बताओ क्या बताओ आपके व्यूअर्स के लिए सर? यस नो रेट में गाड़ी मिलेगी 6,60,000 की, पूरी मार्केट सर्च कर लो सर, आपको इस रेट में गाड़ी नहीं मिलती। 6,60,000 जो आएगा सर उसका स्पेशल हम रिगार्ड करेंगे, जो भी आएगा। हमारी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, कोई भी हमारा भाई आता है ना टैंक फुल करा के दे देना। टैंक फुल करा के दे देंगे सर। चलो ये ठीक है। तो गाइज जिस भी भाई को मर्सिडीज का शौक है ना वो पूरा हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट व्हील्स पे। और सुप्रीत बाजी हैं कार 13 से, यहाँ पे आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अगर कोई भाई हमारा चंडीगढ़ के अंदर है उसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, अगर कोई बाहर है तो डायरेक्टली वीडियो को देख के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली कॉल करके गाड़ी बुक करा सकते हैं और कंप्लीट डिटेल्स वगैरह फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी रहती है आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे हमारे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी पेज का नाम है @distinctwheels, तो आपको इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा, वहाँ से भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और रेट आप सभी ने जान लिया है इस गाड़ी का, ये डीजल वेरियंट है और अपनी 79,000 चल चुकी है, सेकंड ऑनर कार है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की सर क्या रहेगी? फुल डॉक्यूमेंट है सर गाड़ी के, इंश्योरेंस रिसेंटली खत्म हुई है इस गाड़ी की। ओके, वो आपको करवानी पड़ेगी सर। ठीक है, वो करवानी ठीक है, आप जहाँ ही होगी वहाँ की आपको अवेलेबल करा के देंगे। हर एक सिटी में, हरियाणा में नाम करें सर वो भी करा के देंगे। ओके, हर एक सिटी में हो जाएगा ना? हर एक सिटी में सर। तो ऑल इंडिया से कोई भी भाई आए मिल जाएगी? मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। तो गाइज जो भी हमारा चंडीगढ़ से थोड़ी चंडीगढ़ के अंदर का हमारा भाई है या चंडीगढ़ के बाहर का है, जिसे भी ये गाड़ी लेनी है उसको डॉक्यूमेंट की किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सुखबीर पाजी और सारी चीज़ें करा के देंगे। और अगर कोई भी एक्सटर्नल जो खर्चा है आपका वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे अगर RC ट्रांसफ़र वगैरह कराएंगे तो उसका आपका खर्चा होता है, वो आपको करना पे करना पड़ता है। और जो इंश्योरेंस है वो सर आप करवा के देंगे या फिर करवाना पड़ेगी? सर हम डील के समय में देख लेंगे ना, हम डायरेक्ट ओनर से बात करेंगे जिससे हम डील कर रहेंगे। अगर तो सर देखो इंश्योरेंस कोई वैसे आज के टाइम में करवाता नहीं है, हम डील के हिसाब से कर लेंगे भी इंश्योरेंस बीच में इंक्लूड हो जाए, नहीं तो अगर किसी कस्टमर ने अपने बंदे से करवा की लोगों के लिंक होते हैं आजकल वो अपने बंदों से करवा लेते हैं, अपने बंदों से करवा ले हमारे ऊपर सर उसमें। ठीक है, वो चीज़ें भी इतनी बड़ी गाड़ी है ये, इसमें हम प्लस पॉइंट गिने कि इंश्योरेंस नहीं, बंदा अपने हिसाब से गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू रखवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कल को ये ना सर कि पहले से इंश्योरेंस बंद है इसकी इंश्योरेंस वैल्यू कम है इस गाड़ी की, अब कह रहे हैं ज़्यादा करवानी है तो सर फिर वो दिक्कत वाला काम होता है बाद में। चलो ये तो एक प्लस पॉइंट ही है, जितनी इंश्योरेंस वैल्यू रखवाना चाहते हैं उतनी रखवाओ सर इसमें। ठीक है, और सर ये लोन हो जाएगी? फाइनेंस हो जाएगी सर ये गाड़ी पक्का? पक्का सर, हर सिटी में हो जाएगी सर, ऑल इंडिया, दिल्ली NCR को छोड़ के सर, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली NCR को छोड़ के। ठीक है, तो सिर्फ दिल्ली NCR को छोड़ के पूरे इंडिया से अगर कोई भी भाई ये गाड़ी लेना चाहता है उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह तो हो ही जाएंगी और ये फाइनेंस पे भी मिल जाएगी आप सभी को। सर डाउन पेमेंट क्या लगेगी इस गाड़ी के लिए? सर डाउन पेमेंट लगेगी इस गाड़ी की 1,00,000 मिल जाएगी, 1,00,000 में मिल जाएगी सर, सिर्फ और सिर्फ गाइज 1,00,000 में अपनी ये मर्सिडीज आ जाएगी 220C क्लास है ना? हाँ जी सर, 1,00,000 में गाइज ये मिल जाएगी। कंडीशन वगैरह एक बार चेकआउट कर लेना आप, सारी कंप्लीट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी भाई लेना चाहता है कार 13 से कॉन्टैक्ट करे और बने रहिए डिस्टिंक्ट व्हील के साथ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।